देख बेटा, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक माँ के दो बेटे हैं, खाली करवट बदल के लेटे, समझा ना। मैच होगी इंडिया का तो मैं तारीफ में, इंडिया में पैदा हुआ तो मेरी इंडिया ही है ना भाई। लेकिन ये जब मैच खेलते हैं, ये एक स्पोर्ट्समैनशिप है भाई, ये कोई वॉर नहीं हो रहा है। पब्लिक क्या हमारे यहाँ क्या बना देती है, वॉर बना देती है। पाकिस्तानी क्रिकेटरों को गालियाँ उसको, अरे नहीं भाई, काहे के लिए, ये मैच हो रहा है तो थोड़ा सा हम सबको बदलना चाहिए यार, मोहब्बत बांटो यार। मैं भी देख बदल गया हूँ छोटे, किसको? अरे बस धोनी बाबा, अब इतनी बाइक, इतनी गाड़ियाँ, इतना पैसा, इतना नाम, भाई दूसरे को भी कमाने दे छोटे यार, ऐसा मत कर मेरी जान। बेटा ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना खेलने वाले इंडियन टीम में, यहाँ से मारेगा ना सिक्सर सीधा पाकिस्तान में जाके बॉल गिरेगा। ऐसे ऐसे छोकरे लोग हैं अपनी टीम में, उनको मौका तो मिलने दो। मेरे भाई अच्छा है ना, अच्छा आदमी है युवराज सिंह, रिटायर लिया मेरा भाई, बहुत अच्छा आदमी है तू। नए बच्चे क्रिकेट खेल पाएंगे, नहीं तो यहाँ तो पुराने पुराने हिल ही नहीं रहे, नवे का तो नंबर ही नहीं आ रहा है। यंगिस्तान है भाई, यंग लोग आएंगे तो थोड़ा काम होगा, हमारे देश का थोड़ा नाम होगा भाई। युवराज यू आर वेरी गुड भाई, वेरी वेरी गुड। मैं मीडिया से कभी नाराज नहीं हूँ, मीडिया से मेरे को एक ही सवाल है, जब मैं पकड़ा जाता हूँ तो ये फ्रंट पेज, बैक पेज, कोई पेज नहीं छोड़ते, जब मैं बाइज्जत भरी हो जाता हूँ तो ये लोग कुछ नहीं लिखते। भाई लोग, मीडिया से मेरी ये चीज़ है कि आप लोग ये ना करें, क्यों पता है? इससे क्या होता है कि देखो, मेरा भी बच्चा है, वो भी स्कूल जाता है, मेरी भी फैमिली है, मेरी माँ है, मेरी माँ अल्लाह ने उसको बुला लिया, लेकिन मेरी बहनें हैं, उनकी शादी हुई है, उनके घर वाले हैं। इस तरह कई लोगों के कई चीज़ें होती है, जब तक कानून उसको प्रूफ नहीं करता, कुछ नहीं करता, आप लोग उसको आरोपी बना के अपने पेजों पे, अपने पोर्टल पे, यहाँ यहाँ पे उसको फटाफट डाल देते हो, टाइटल भी ऐसे ऐसे देते हो। ये मत करो मेरी जान, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ का सवाल होता है, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, आप लोग उसको एक वो बना के डाल देते। ये मत करो मेरी जान, थोड़ी सी छानबीन कर लो, थोड़ा पुलिस वालों से बात कर लो, क्या हो रहा है पता चलेगा। पहले कि और क्या मतलब, फंसा ही नहीं गया तो क्या फिर बाहर क्यों खड़ा हूँ? उसमें आदमी को 10 साल की सजा होती है। हाँ, वो पता चलते ही तेरे को फोन करूँगा मैं। यार फैसू इज लाइक माई यंगर ब्रदर, और ये जो नए उभरते हुए जो कलाकार है, जो टिकटॉक से उभर के आ रहे, इतना काम कर रहे, इट्स वेरी नाइस थिंग, मतलब अच्छी चीज़ है कि ये लोगों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये सागर, उसको बंद करा म्यूज़िक को, म्यूज़िक बंद करवा। यार ये दोनों बहुत ही पॉपुलर है, सलमान भाई और कैटरीना कैफ के बाद ऐसा लगता है ये दोनों की पैर माशाल्लाह। दिस न्यू किड्स, इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, ये दे आर नेशंस हार्ट थ्रोप, सारे लड़के उसके जन्नत के पीछे पागल है, सारी लड़कियां इसके पीछे पागल है, दोनों का बहुत अच्छा रामजी गुलाटी ने यूज़ किया माशाल्लाह, वेरी नाइस सॉन्ग, और ये सॉन्ग चल रहा है ऑलरेडी, सुपर हिट हो चुका है। आई विश देम ऑल द लक, ही इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर, सो मैं हमेशा मेरे भाइयों के साथ में हूँ, वेन एवर दे नीड मी आई एम ऑलवेज देयर। आने वाला है मेरा जोनर, आपको पता चलेगा। मैंने ऐसे म्यूजिक वीडियो बहुत सारे किए, लेकिन अभी मैं चेंज किया, अभी मेरी माँ के लिए मैंने गाना लिखा हूँ, और उस गाने पे वो म्यूजिक वीडियो आने वाला है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। यार मैं भारत फिल्म अभी देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं देखने वाला हूँ, पर फिल्म की ओपनिंग बहुत अच्छी लगी है और फिल्म बहुत अच्छी जा रही है, इसका मतलब लोगों को फिल्म पसंद आई है और लोग फिल्म देख रहे हैं, तो आई थिंक सो मैं भी जाके कल देखूंगा, उसके बाद तेरे को बताऊंगा कि फिल्म मेरे को कैसी लगी।
और बिग बॉस की बात करो तो वो आपसे बिना छिड़का नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? 13 आ रहा है, सभी सेलिब्रिटी है, कॉमनर नहीं है कहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, सेलिब्रिटी को राहत हो जाती है कॉमनर नहीं है तो, क्योंकि क्या होता है कि एक आदमी 15 साल 20 साल काम करके एक सेलिब्रिटी अपना नाम बनाता है, आप लोग भी जानते हैं बहुत मुश्किल है नाम बनाना, उसमें आके एक कॉमनर उनको कुछ भी बोलने लगता है तो ऐसा लगता है कि भाई मतलब, तो अच्छी चीज़ है सेलिब्रिटीज आ नहीं रहे थे, अब वो लोग आएंगे और खुल के सेलिब्रिटी टू सेलिब्रिटी जो बहस होती है वो चलता है, उनको पता है कहाँ हमारा बिलो तो बेल्ट मारना है, कहाँ रुकना है, किधर क्या करना है। और कॉमनर का क्या रहता है कि वो सीधा आके हंगरी रहता है कि किस सेलिब्रिटी से मैं लड़ूँ, मेरा प्रोमो बने, मैं फेमस हो जाऊँ। मेरे भाई मैं कोई वाइल का एक दिन के लिए मेरे को अगर बुलाया तो मैं जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी बिग बॉस से थोड़ा सा मैंने, क्योंकि अभी दूसरे लोगों को चांस मिलना चाहिए यार, मैंने जो दिखाया वो हो गया, अभी मैंने 2 बार गया, 3री बार गया, अब क्या तू मेरे को 100 बिग बॉस तक भेजता रहेगा? हाँ मतलब भाई के बाद इंशाल्लाह होस्ट करेंगे हम, जब भाई बोलेंगे कि अभी मेरे को नहीं करना है तो शायद इंशाल्लाह। मैं मीडिया से कभी नाराज़ नहीं हूँ, मीडिया से मेरे को एक ही सवाल है, जब मैं पकड़ा जाता हूँ तो ये फ्रंट पेज बैक पेज कोई पेज नहीं छोड़ते, जब मैं बाइज्जत भरी हो जाता हूँ तो ये लोग कुछ नहीं लिखते। भाई लोग मीडिया से मेरी ये चीज़ है कि आप लोग ये ना करें, क्यों पता है? इससे क्या होता है कि देखो मेरा भी बच्चा है वो भी स्कूल जाता है, मेरी भी फैमिली है, मेरी माँ है, मेरी माँ अल्लाह ने उसको बुला लिया, लेकिन मेरी बहनें हैं उनकी शादी हुई है, उनके घर वाले हैं, इस तरह कई लोगों के कई चीज़ें होती है, जब तक कानून उसको प्रूफ नहीं करता कुछ नहीं करता, आप लोग उसको आरोपी बना के अपने पेजों पे अपने पोर्टल पे यहाँ यहाँ पे उसको फटाफट डाल देते हो, टाइटल भी ऐसे ऐसे देते हो, ये मत करो मेरी जान, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ का सवाल होता है, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, आप लोग उसको एक वो बना के डाल देते, ये मत करो मेरी जान, थोड़ी सी छानबीन कर लो, थोड़ा पुलिस वालों से बात कर लो, क्या हो रहा है पता चलेगा, पहले कि और क्या मतलब फंसा ही नहीं गया तो क्या फिर बाहर क्यों खड़ा हूँ, उसमें आदमी को 10 साल की सजा होती है। हाँ वो पता चलते ही तेरे को फोन करूंगा मैं। मेरे भाई अच्छा है ना, अच्छा आदमी है युवराज सिंह, रिटायर लिया मेरा भाई, बहुत अच्छा आदमी है तू, नए बच्चे क्रिकेट खेल पाएंगे, नहीं तो यहाँ तो पुराने हिल ही नहीं रहे, नवे का तो नंबर ही नहीं आ रहा है, यंगिस्तान है भाई, यंग लोग आएंगे तो थोड़ा काम होगा हमारे देश का, थोड़ा नाम होगा भाई, युवराज यू आर वेरी गुड भाई, वेरी वेरी गुड। किसको? अरे बस धोनी बाबा, अब इतनी बाइक इतनी गाड़ियाँ इतना पैसा इतना नाम, भाई दूसरे को भी कमाने दे छोटे यार, ऐसा मत कर मेरी जान। बेटा ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना खेलने वाले इंडियन टीम में, यहाँ से मारेगा ना सिक्सर सीधा पाकिस्तान में जाके बॉल गिरेगा, ऐसे ऐसे छोकरे लोग हैं अपनी टीम में, उनको मौका तो मिलने दो। देख बेटा हिंदुस्तान पाकिस्तान एक माँ के 2 बेटे हैं, खाली करवट बदल के लेटे, समझा ना, मैच होगी इंडिया का तो मैं तारीफ, मैं इंडिया में पैदा हुआ तो मेरी इंडिया ही है ना भाई, लेकिन ये जब मैच खेलते ये एक स्पोर्ट्समैनशिप है भाई, ये कोई वॉर नहीं हो रहा है, पब्लिक क्या हमारे यहाँ क्या बना देती है, वॉर बना देती है, पाकिस्तानी क्रिकेटरों को गालियाँ उसको, अरे नहीं भाई कई के लिए ये मैच हो रहा है, तो थोड़ा सा हम सबको बदलना चाहिए यार, मोहब्बत बांटो यार, मैं भी देख बदल गया हूँ छोटे। मैं समझा नहीं यार छोटे तेरा क्वेश्चन, अरे भाई फिर तू मोदी जी को भी कॉन्ट्रोवर्सी में फंसा देता, फिर पब्लिक उनको भी बोलती तुम पाकिस्तानी को बुला लिए, ये कर लिए वो कर लिए, वो शाने है भाई मोदी जी, नहीं तो उनका भी हाल वो सिद्धू पाजी के जैसा हो जाता, खाया पिया कुछ नहीं गिलास थोड़ा मारा ना। अभी क्या हो गया पब्लिक के हाथ में क्या पत्थर और वो नहीं है, उंगलियों में खेल रही है पब्लिक, ट्विटर पे इस पे पब्लिक ऐसी गालियां दे रही है आदमी सुसाइड कर ले वे। योगी जी इंसान नहीं है,
उनकी पत्नी नहीं हो सकती, मतलब हिंदुस्तान को प्रॉब्लम क्या अगर उनकी पत्नी है, वो प्यार कर रहे हैं, वो भी विन डीजल की तरह ऐसे ही चले जाए क्या? खैर वो हमारे इंडिया के विन डीजल है भी, वो फाइटर है, वो भी तो लड़ ही रहे ना योगी जी, अगर उनकी गर्लफ्रेंड है तो अच्छी बात है भाई। भाई देख सीएम है, तेरे को भी अंदर भिजवा सकता है, ज्यादा सवाल मत कर। दो चार रिपोर्टर अंदर गए हुए हैं और मैं तो अंदर जाके आया ही हूँ तो ज्यादा मत पूछ। राइट हियर इन दिस कैमरा। एक साथ में आ जाइए। यस नो, वी जस्ट डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ विजुअल्स एंड वी डूइंग आउटसाइड, वी जस्ट वेटिंग फॉर फेसबुक टू कम। थ्री ऑफ देम आपको मिली? थोड़ा पीछे हो जाए हम। ओए ओए राम जी अभी बंद। थैंक यू राम जी, सोलो पूछना।